तो क्या हाल चाल है भाई लोगों को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। गाइज आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई को हम लाइव ट्रेडिंग सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा अपने वीआईपी मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि जब मैं लाइव सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ या लाइव ट्रेड में जब करता हूँ, तो अपने वीआईपी मेंबर्स को सिग्नल प्रोवाइड करते टाइम मेरी थिंकिंग क्या रहती है और किन किन चीजों को मैं देख करके यहाँ पर ट्रेड्स जो है वो लेता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के जरिए। और यहाँ पर कुछ मैं पहले एक इंडिकेटर्स वगैरह ये सब चीजें लगा लेता हूँ। और गाइज इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसको मैं क्लोज करूंगा और क्लोज मुझे ये भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर प्रॉपर टाइम लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार अगर हमारे वीआईपी मेंबर्स ने कोई लॉस किया है तो उस लॉस की वो रिकवरी कर लें, और अगर उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो गाइज वो लोग अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर ले, ठीक है। सिंपल मोटिव होता है और यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी कुछ यहाँ से प्रॉफिट जो है वो अर्न करके जाऊं। तो थोड़ा सा गाइज हम टाइम लेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि देखो मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट पहले ही बता देता हूँ अपने जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं कि हम लोग सेशन करेंगे 11 बजे, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट आप पढ़ सकते हो जो सबसे लेटेस्ट मैंने डाला हुआ है कि प्लीज डू नॉट टेक बिग रिस्क, और अगर आपके पास में कोई लॉस है पुराने तो आप उनको रिकवर करने की कोशिश करें, अदरवाइज गाइज बड़े रिस्क ना लें, प्रॉफिट अर्न जब आप कर लें तो आप अपनी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज कर लें, सिंपल है, ठीक है। तो यहां से मैं करता हूँ ये कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स पर मैं 5 मिनट का चार्ट फ्रेम एक बार देखना चाह रहा हूँ गाइज यहाँ पर कि क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, और इस पर फिर हम गाइज नेक्स्ट अपना ट्रेड करेंगे। ये मैंने करेंसी दिया और ट्रेड एक्सपायरी टाइम मैंने दिया 2 मिनट का, ठीक है। इसको हमने बोल्ड किया और सेंड किया। नाउ अब आप देख सकते हो कि जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं वो इस करेंसी को सेट करेंगे अपने ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर, ट्रेड एक्सपायरी टाइम यानी ये जो टाइम है इसको सेट करेंगे गाइस 2 मिनट का, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं फाइनल जो कॉल रहेगी अप या डाउन ये मैं प्रोवाइड करूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली गाइस ये लोग जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं ये ट्रेड करेंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है गाइस, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ, एंड ट्राई करें गाइज कि मिलके हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न करें। तो अगेन गाइज मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर देख रहा हूँ और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सिनेरियोज एक बार हमें देखने पड़ेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पर हो सकते हैं। और पहले मैं एक ट्रेड ओपन करता हूँ और फिर गाइज हम लोग डिस्कस भी करेंगे सारी चीजों को कि कैसे कैसे यहाँ पर हम मार्केट की रीडिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे चीजें हम देख रहे हैं। 5 मिनट का चार्ट और देखूंगा और यहां पर गाइज हम लोग लेंगे कॉल, और यहां पर गाइज मैं 2 ट्रेड्स लूंगा कॉल, और मैं ट्राई करता हूँ एक और ट्रेड्स लू, एक और ट्रेड मैंने यहाँ पर ओपन करी है। टोटल गाइज 3 ट्रेड्स मैंने लगाए हुए हैं और यहां पर अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार 15 सेकंड का चार्ट का टाइम फ्रेम मैं देखता हूँ। तो गाइज अभी आप लोग देखो कि मार्केट जो है मार्केट में क्या हो रहा है थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको गाइस दिख रहा होगा 15 सेकंड का, और यहाँ पर वो जो बॉलिंजर बैंड है वो देखो यहाँ पर अभी मूवमेंट बता रहा है कि मार्केट अप जाएगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मार्केट किया पे 15 सेकंड के चार्ट में। बट गाइस यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक इज ट्राइंग टू शो दी मूवमेंट्स इन डाउन डायरेक्शन। अगर ये डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट्स हमको मिल जाती हैं तो फिर यहाँ पर ये जो अपनी 3 ट्रेड्स चली हैं जहाँ पर 1476 डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और 1 मिनट का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो देखो बहुत ही क्लोज कॉल है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ये लॉस कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये जो कैंडल है, जो कैंडल का मूवमेंट अभी आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है गाइस। ये अगर ग्रीन कैंडल में फॉर्म होती है, मतलब ये जो अभी जो करंट कैंडल जो चल रही है और ये बहुत ही क्लोज कॉल है एज पर द एनालिसिस, मार्केट जो है वो गाइस यहाँ से टोटली अप डायरेक्शन में है और अप डायरेक्शन की ही मूवमेंट्स आपको देना चाहिए, हम मतलब हम लोगों को देना चाहिए, बट स्टिल वी नीड टू वेट फॉर 36 सेकंड्स मोर। और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स के साथ में आप जाएगा, बट गाइज यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं पैराबोलिक जो है वो इश्यूज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट्स हम लोगों को शो कर रहा है। तो चलो गाइज हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। एनालिसिस जो मैंने करी है वो यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट तो अप डायरेक्शन में ही जाएगा, बट अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग, समझते हो। तो मार्केट जो है वो अल्टीमेटली किंग है गाइस, और ये जो कॉल है बहुत ही क्लोज कॉल यहाँ पर हो चुकी है। आप लोगों को अगर यहाँ पर पता चलेगा तो बहुत ज्यादा क्लोज कॉल है गाइस, ये देखो
बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल, बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा क्लोज कॉल कुछ नहीं हो सकती। तो यहां पर देखो गाइस, ये लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ये विन किया है, रिफंड किया है, जो भी चीजें की हैं देखो बिल्कुल। और आप लोगों ने थोड़ा सा डिले किया होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेट आप लोगों ने ट्रेड्स जो अपनी है वो ओपन करी होंगी, तो आप लोगों को रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग मिले होंगे। तो यहां पर एक बार मैं ये स्क्रीनशॉट लेता हूं और फिर मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को यहां पर सेंड करता हूं। मेरी तरफ से यार ट्राई रहता है कि ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में हम लोग जाएं, और यहां पर मैं ग्रुप का नाम मेंशन करूंगा। तो 3 ट्रेड्स में से आप लोग देख सकते हो विदाउट एनी लॉस हम लोगों ने $492 का यहाँ पर प्रॉफिट किया है। एंड सी दी रिजल्ट्स। नेक्स्ट हम लोग जो ट्रेड करेंगे गाइस, वो हम इसी करेंसी पेयर पर फर्दर 2 मिनट की ट्रेड करेंगे। ये सब कुछ मैं हटा दूंगा और 5 मिनट अगेन मैं ट्राई करूंगा मार्केट को रीड करूं। और देखो यार, जो ट्रेंड है, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है अप डायरेक्शन का। तो यहाँ पर अगर हम डाउन डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो पहला कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है गाइस। बट एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो आप थोड़ा सा समझो। तो ये जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट को एक अच्छे मार्जिन से ऊपर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर दोबारा आई एम ट्राइंग टू प्लेस माई ट्रेड इन अप डायरेक्शन कॉल। और यहाँ पर गाइज मैं एक थोड़ा सा बड़ा ट्रेड भी लूंगा $4,000 का अप डायरेक्शन का। तो यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है गाइज थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यार ट्राई करूँ कि जो फर्स्ट सेशन है यहाँ पर मैं एक अच्छा मार्केट से प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लूँ। अभी के लिए ट्रेड्स नेगेटिव है, सारी हमारे अगेंस्ट हैं। बट गाइज जो टाइम फ्रेम है हमारे पास में, वो एक अच्छा टाइम फ्रेम है, मतलब ट्रेड हमने 2 मिनट के लिए करी है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूंगा इस, तो यहाँ पर $5,200 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरनेट आप देख सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन आप गाइस देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। बारिश के टाइम पर यार जो लोकल जो ब्रॉडबैंड है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अभी आप लोग देखो, 1 मिनट का टाइम है गाइस, क्लोज कॉल प्रोबेबली हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यार ये जो चीज है, ये आप देखो, ये कहीं ना कहीं मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है तो फिर गाइज ये जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और वी आर गोइंग टू विन इट। और हम लोग यहाँ पर अगेन गाइज ऑलमोस्ट $4,246 का प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो अगर गाइज आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर दो। सबसे पहले आपका लाइक करना इज लाइक कि आप मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इसके साथ में गाइज, अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, जिससे क्या होगा कि जो लेटेस्ट मेरे जो अपडेट्स होंगे, मतलब अगर मेरी कोई टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आएगी या स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी या कुछ भी ऐसा कंटेंट रहेगा जो आपकी स्किल्स लेवल को बूस्टअप करेगा, तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और गाइज वो देख करके आप स्किल्स को बढ़ा सकते हो, और वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ये गाइज सारी जो ट्रेड्स हैं हम लोगों ने प्रॉफिट क्लोज किया है। और मार्केट की अगर मैं बात करूं, मार्केट अभी तक उस लेवल से अप है। और यहां पर सारी ट्रेड्स हम देख लेते हैं, तो नाउ आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट $5,000 प्लस का प्रॉफिट मैं यहां पर अर्न कर चुका हूं गाइस। तो आप लोगों को देखो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं वो समझनी पड़ेंगी यार, बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रही है मेरी तरफ, आप लोगों को वाइब्रेशंस की आवाज भी आ रही होंगी। बट लेट्स सी, इसको मैं कैंसिल करता हूँ थोड़ी देर के लिए और ये पोस्ट करता हूँ सुपर आईटीएम। ये यार थोड़ा सा हम लोगों को दोबारा करना पड़ेगा। देखो यार, जब भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा कूल होना चाहिए। और अगर आप जल्दबाजी थोड़ा सा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है। फर्दर एक और ट्रेड में गाइस इसी करेंसी पेयर में फॉर नेक्स्ट 2 मिनट और करूंगा। ये जो ट्रेड है मेरा लास्ट ट्रेड होगा, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गाइस मैं कम करूंगा थोड़ा सा, लाइक $2,000। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आप देखो तो $5,000 प्लस मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो गाइस दैट इज माई मनी मैनेजमेंट। अगर $2,000 का मैं, या फिर आप कहो तो मैं $1,000 इन्वेस्ट करता हूँ और 2 या 3 मल्टीपल ट्रेड्स करता हूँ $3,000 का, तो भी ओवरऑल मैं गाइज ये जो सेशन है वो प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा।
तो ये चीजें होती हैं गाइस जो आपको अपने मनी मैनेजमेंट से फॉलो करके लर्न करनी पड़ती हैं। और अगर गाइस इस तरीके से आप मेरे जो वीआईपी सिग्नल्स हैं इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर ये जो सिग्नल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारा कुछ कंटेंट जो है गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसको ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिलेगा और उस लिंक को आप क्लिक करोगे और ज्वाइन कर लोगे मेरा टेलीग्राम चैनल। गाइस मेरे वीआईपी मेंबर्स के फीडबैक भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉस नहीं करते हैं, हम लोग भी लॉस करते हैं, हर कोई लॉस करता है। जो ट्रेडर होता है वो कभी प्रॉफिट में नहीं रहता गाइस, उसको लॉस मतलब उसका रास्ता है कि उससे लॉस से होकर भी गुजरना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो मंजिल होती है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लर्न कर सकते हो मेरे साथ में। कल के सेशन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लॉस किया था, बट कहीं ना कहीं हमने मनी मैनेजमेंट किया फोकस होके एक अच्छी एनालिसिस के साथ में। सेशन थोड़ा लंबा था और गाइज हम लोगों ने प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। ठीक है, तो बैक टू बैक बिग प्रॉफिट्स हम लोगों ने हिट किए थे। और इंटरनेट यार दोबारा से यहां पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा सा गाइज मैं वेट करूंगा और उसके बाद यहां पर मैं देखता हूं इंटरनेट, क्योंकि यार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और गैस यहाँ पर बारिश के मौसम में लाइक बी प्राक तो कहता है मेरा यार असरा है बारिश की जाए, बट यहाँ पर यार बिजली भगा देते हैं लोग। और इंटरनेट ठीक है गैस, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे और देन वी विल डिसाइड कि हम लोगों को अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है या गैस हमको डाउन डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो लेना है। तो आप लोग अगर प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो, आप लोगों का प्रोसेस पर ट्रस्ट है तो गाइज प्रॉफिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ और बोलता भी हूँ, यू गाइज कैन मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, बट गाइज क्या फॉलो करते हो, कहाँ फॉलो करते हो, ये चीजें मैटर करती हैं। तो यहां पर कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में मैं हूं नहीं वैसे, अगर आप लोग देख भी पा रहे होगे तो मैं वेट कर रहा हूं और देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं और फिर गाइस वी विल डिसाइड कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अवर ट्रेड इन अप डायरेक्शन कॉल, और ये थोड़ा गाइस डिले हो गया, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा डिले है। देखो ट्रेड भी लेट लग रही है गाइस, ये चीजें आप देखो, थोड़ा सा यहां पर मेरी जो ये ट्रेड है ये डिले भी लग रही है। आप लोग देखो गाइस थोड़ा सा इंटरनेट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जो भी चीजें, बट गाइस ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा मेरे लिए रिस्की हो सकता है। और अगर रिस्की होता है तो यार फिर यहाँ पर 3000 मतलब देखो प्रॉफिट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न नहीं किया है। आप लोगों के सामने $5000 प्लस प्रॉफिट किया है, बट उसमें से अगर $3000 लॉस करेंगे तो यार अगेन बात वही हो गई ना यार कि कौन अपना प्रॉफिट को लॉस करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो। थोड़ा सा मैं बताऊं, बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में मार्केट है, जिगजैग एक अच्छी मूवमेंट दे रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसमें, प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही है ये जो लेवल है, ये लेवल गाइस मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि डाउन आ जाए। अगर बात करूं मैं पैराबोलिक की तो पैराबोलिक भी अप डायरेक्शन की यहाँ पर कंफर्मेशन हमको दे रहा है और मार्केट को अप डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल और लेता है, मार्केट अपर पोर्शन में थोड़ा और जाता है फॉर नेक्स्ट 46 या 40 सेकेंड्स मोर, तो गाइज फिर हम ये जो ट्रेड है प्रॉफिट में ही क्लोज कर लेंगे और फिर हम फर्दर यहाँ पर $2406 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो अगली दो कैंडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की कैंडल बनाएगा मतलब रेड कैंडल बनाएगा तो थोड़ा सा टिपिकल ये हो सकता है, एल्स वी आर गोइंग टू विन इट अगेन गाइज। ये कैंडल ग्रीन फॉर्म होनी चाहिए और अगली कैंडल भी गाइस अप डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट है गाइस बहुत जल्दी यहाँ पर अगर करेक्शन होता है, देखो कितना फ्लक्चुएशंस भी है यहाँ पे, बट गाइस हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है 9 सेकंड का और ये 4 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद ये मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ गाइस। और नाउ अब हम देखते हैं कि क्या हुआ इस ट्रेड का, ये सारी ट्रेड्स गाइस हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो गाइस बैक टू बैक 3 सिग्नल्स पे मल्टीपल ट्रेड्स ओपन किए हैं और यहाँ पर आप लोग ऑलमोस्ट देख पा रहे होंगे कि जो भी हम लोगों ने अर्न किया है वो हम लोगों ने सॉलिड अर्न किया है। ठीक है, तो
तो यहां पर गाइस मैं इसको लिखूंगा अगेन सुपर आईटीएम। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत क्लोज आईटीएम था, तो सुपर आईटीएम कहां से हो गया? गाइस ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये हटा दूंगा तो मार्केट आप देखोगे बहुत ज्यादा अप था। अगर आपने यहां पर भी ट्रेड लगाया होगा अभी भी मार्केट उससे अप है। तो इस तरीके से गाइस अगर आप ट्रेडिंग करते हो और इस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो काफी इजी है और काफी आसान है। और यहां पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं गाइस, तो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहली ट्रेड पर हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया और $492 का, जहां पर दो ट्रेड्स हमारे रिफंड थे। उसके बाद गाइस आप लोग देखो यहां पर $4,264 का प्रॉफिट एंड गाइस $2,460 का प्रॉफिट। तो बैक टू बैक प्रॉफिट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, आपकी एनालिसिस बहुत सही होनी चाहिए, स्ट्रेटजी, माइंडसेट और गाइस इमोशंस, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना है। और अगर आप इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सिग्नल्स मेरे ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही आसान प्रोसेस है गाइस। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। VIP मेंबर बनने से पहले रेगुलर बेसिस पर आप मेरे VIP मेंबर्स की फीडबैक भी लर्न कर सकते हो गाइस। गिवअवेज, प्रोमो कोड्स, बोनसेस, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर करता रहता हूँ, उन सारी चीजों का आप बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड गाइस कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।